हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस ऑफ क्लास सेवेंथ, नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन मींस क्या होता है और प्लांट में ये किस तरीके से होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल है। न्यूट्रिशन मींस होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इस कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एनिमल हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, सबकी बेसिक नीड फूड है। फूड के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्या होता है कि फूड को लिया जाता है, इनटेकिंग किया जाता है। प्लांट है तो वो दूसरी तरीके से, एनिमल है तो वो दूसरी तरीके से। सबके इनटेकिंग ऑर्गन अलग अलग होते हैं। फूड को लेना फिर उसका यूटिलाइज करना यानी एनर्जी के रूप में उसका यूज करना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहीं से निकल कर आती है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कई स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन यानी फूड को लेना, इनटेक करना, अंदर की तरफ लेना। डाइजेशन, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, जो कि वेरियस ऑर्गन्स के द्वारा हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। फिर अगेन इन डाइजेशन के बाद नंबर आता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड ब्लड के थ्रू बॉडी की डिफरेंट सेल्स में पहुंचता है। उसके बाद नंबर आता है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन फिर वो एनर्जी बन के बॉडी की डिफरेंट सेल्स में पहुँच के एनर्जी बन के स्टोर होता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के ये फाइव स्टेप्स होते हैं। तो अगेन डेफिनेशन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना, इनटेकिंग करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना, इस कॉल न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाती है। अंडरस्टैंड, इसके स्टेप आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे जिस चैप्टर में ये आएगा, अभी इस चैप्टर में ये नहीं है कि इसके कौन कौन से स्टेप हैं, लेकिन अगले न्यूट्रिशन इन एनिमल के चैप्टर में इस प्रोसेस को कम्प्लीटली समझाया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप, जैसे इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है और इजेशन कैसे होता है। ये पांच स्टेप जो न्यूट्रिशन के हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको हम देखेंगे। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग प्लांट। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड सेकेंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जब हम देखते हैं तो नॉर्मली ये देखते हैं कि प्लांट नियर अबाउट ज्यादातर जो केस मिलता है वो हमको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मिलता है। कुछ केस हमको ऐसे भी मिलते हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफाइट। पैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, टोटली पैरासाइट, पार्शियली पैरासाइट्स। वन बाई वन
स्टडी करते हैं। फर्स्ट आप ऑल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? नेम सही है, ऑटो मींस होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन मींस फूड। प्लांट्स में नॉर्मली होता क्या है कि नियर अबाउट ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू नो वेरी वेल कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं एंड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अपने फूड को डिराइव करते हैं और बाकी जितने अदर एनिमल होते हैं वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये प्लांट का मेन न्यूट्रिशन है। मेनली न्यूट्रिशन जो प्लांट में होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट जो है अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट कैसे करते हैं और किस तरीके से ये अपने फूड को बनाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि प्लांट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि लीफ में पाया जाता है, जिसकी वजह से लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। CO2, 6H2O, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, इसको हटा देते हैं, ये बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है 6। बाद में इसको समझा देंगे जब केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि CO2 प्लांट CO2 गैस लेते हैं, ये सब रॉ मटेरियल है, बिना इनके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीफ एंड टेक वाटर फ्रॉम द रूट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये दोनों लिया जाता है प्लांट के द्वारा, सनलाइट भी लिया जाता है और क्लोरोफिल लीफ में मौजूद होते, ये सब चीजें ये जा करके लीफ में पहुंचती हैं। तो लीफ में प्लांट का ये फूड बनता है C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और बदले में प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और कुछ वाटर वेपर भी रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये प्रोसेस जो होती है प्लांट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए प्लांट के न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये फूड बन गया प्लांट का, ये जो C6H12O6 है ये प्लांट का फूड है, अब प्लांट सर्वाइव करेंगे इसी के थ्रू। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट ने खुद अपने फूड को बनाया, खुद अपने भोजन को बनाया, इसीलिए इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप लोग याद रखिए इस चीज़ को, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, H2O लेते हैं, वाटर लेते हैं रूट से, और ये सब चीज़ें लीफ में जाकर इकट्ठा होती हैं, और लीफ में क्लोरोफिल ऑलरेडी मौजूद होता है, सनलाइट प्रेजेंट होता है, तो जाकर के उनका फूड बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं रिस्पायरेशन में, और H2O रिलीज करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो करते ही हैं, आप लोग को जान के हैरानी होगी कि हेटरोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपना फूड खुद नहीं बनाते, या बनाते हैं तो पूरी तरीके से नहीं बनाते, डिपेंड होते किसी अदर होस्ट पे। अब जैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं तो पैरासाइट्स भी होते हैं कुछ प्लांट, सिम्बायोटिक भी न्यूट्रिशन करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी इंसेक्टिवोरस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, टोटली पैरासाइट में हम आते हैं तो टोटली पैरासाइट होते हैं, पार्सली पैरासाइट होते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की। प्लांट पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं,
पैरासाइट किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट है उस पर डिपेंड होता है फूड के लिए, मिनरल्स के लिए, वाटर के, किसी भी एक्टिविटी के लिए, अगर वो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करता है तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स। ऐसे एनिमल को पैरासाइट कहा जाता है, ऐसे एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं ऐसे एनिमल को पैरासाइट कहा जाता है, और जिस पे डिपेंड होते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जब हम देखते हैं तो पहला न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो टोटली या पार्शली किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। पहले न्यूट्रिशन में आपने देखा ऑटोट्रॉपिक में वो खुद से अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कुछ में तो ये अपना फूड अपने फूड के लिए टोटली डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पर, जो दूसरे प्लांट फूड बनाते हैं उसी को ये यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कसकटा, अमर बेल जिसको कहते हैं, ये टोटली पैरासाइट है, ये अपने होस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है फूड के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी केस मिलते हैं जिसमें पूरी तरीके से नहीं डिपेंड होते। फॉर एग्जाम्पल मिस्किटो, मिस्किटो एक ऐसा प्लांट होता है जो अपने होस्ट पे पूरी तरीके से नहीं डिपेंड होता है बल्कि पार्शली डिपेंड होता है। सिर्फ उससे ये मिनरल्स, वाटर, जिस प्लांट पे ये डिपेंड होता है उससे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये खुद करता है। लेकिन कैस्केटा के केस में क्या होता है, कैस्केटा के केस में पूरी तरीके से अमरबेल जो होता है ये अपने होस्ट जिस प्लांट पे डिपेंड होता है उस पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है, फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस ये उसी से कंप्लीट करता है, जो वो फूड बनाता है उस फूड को ये एब्जॉर्ब करता है और सर्वाइव करता है। तो पैरासाइट कहते हैं अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो तो ऐसे केस में ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, पैरासाइट्स में क्या होता है, पैरासाइट में जब किसी होस्ट पे डिपेंड रहते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक प्लांट या एनिमल, तो जिस होस्ट पे डिपेंड होते हैं उस होस्ट को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उसको, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सेम होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड बट नॉट हार्म टू ईच, नॉट हार्म टू फर्स्ट वन, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट पे डिपेंड होता है बट उसको हार्म नहीं करता है बल्कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो लाइकेन है। लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के कॉम्बिनेशन से लाइकेन बनता है, तो सिम्बायोटिक है, दोनों साथ साथ रहते हैं। एल्गी क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ये फूड बनाता है। फंगी क्या करता है, फंगी इसको वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है, फंगी वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है और एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली अंडरस्टैंड टू ईच अदर एंड बेनिफिटेड टू ईच अदर, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट न्यूट्रिशन का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आपने देखा ना लाइकेन एल्गी और फंगी के कॉम्बिनेशन से बनता है, एल्गी फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, फंगी क्या करता है उसको जो है वाटर और मिनरल सप्लाई करता है, तो दोनों एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिटेड करते हैं, तो ऐसा न्यूट्रिशन जो होता है वो कहलाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज इंसेक्टिवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो करते हैं, बट इसके अलावा दूसरे किसी एनिमल को भी फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू, ये सब इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है इंसेक्टिओरस प्लांट। इंसेक्ट खाने के पीछे रीजन ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते, बल्कि इंसेक्ट इसलिए खाते हैं क्योंकि ये जिस जगह पर ग्रो करते हैं वहां पर न्यूट्रिशन की कमी होती है, वहां पर सॉरी नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।